आदि शक्ति माँ भवानी के शारदीय नवरात्र के अवसर पर विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी भक्ति परिवार महिला संकीर्तन मंडल द्वारा माँ भगवती का दरबार सजाकर महामाई का सुंदर गुणगान किया गया और धर्म लाभ अर्जित किया गया। दरअसल भक्ति परिवार महिला संकीर्तन मंडल लाजपत नगर मुरादाबाद द्वारा विगत वर्षों की भांति निरंतर चल रहे शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गा के भजन कीर्तन का आयोजन हुआ। इसी क्रम में आज छठी तिथि माता रानी के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना की गई। साथ ही भक्ति संचालन अनीता श्रीवास्तव द्वारा माँ कात्यायनी के जीवन के बारे में संक्षिप्त वर्णन करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। आज के कार्यक्रम की ज्योति जलाकर तिलक करके गणेश की स्तुति प्रारंभ की गई और साथ ही छठे दिन माता रानी के दरबार को बादामी रंगों के फूलों से सजाया गया और बादामी कलर के वस्त्र से भवन को सजाया गया। बादामी रंग के फूलों और वस्त्रों में भवन में विराजमान माँ भगवती का भजन देखकर भक्तों की आंखों में चमक देखी गई। ऐसा महसूस हो रहा था कि माँ साक्षात भवन में विराजमान हो और सभी को आशीर्वाद दे रही है। यजमान नीरू बजाज द्वारा माता रानी का 16 श्रृंगार किया गया, सुहाग पिटारी चढ़ाई गई, आरती और प्रसाद का वितरण हुआ। कार्यक्रम में मुख्य सहयोगी अध्यक्ष मधु बंसल, अनीता नखरा, सरिता गुप्ता, पवन अग्रवाल आदि लोग मौजूद रहे।